दोस्तों नमस्कार, मैं अनंत किशोर, आप देख रहे थे इसके यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं फिर से सुरेश जी के खेत पे हूँ। पीछे आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी लगा रखी है इन्होंने, और यहाँ से आपको अपडेट पहले भी मिली थी। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं माइकोरजा और ह्यूमिक एसिड, जो खुद यहाँ पर बनाते हैं और काफ़ी मतलब शक्तिशाली बनाते हैं, काफ़ी पावरफुल बनाते हैं। उनकी बनाने की प्रोसेस काफ़ी अच्छी है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अभी हम लाइव देखेंगे कि वो किस तरह अपनी फसल में दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनके ड्रिप में वो चला रहे हैं। तो सारा जुगाड़ हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इनकी स्ट्रॉबेरी है, और ये मतलब कि इसको काफ़ी जैविक तरीके से कर रहे हैं। मतलब कि मान के चलो आपकी ये 30% जो केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, बाकी ये जैविक तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं दोस्तों, इनका काम अभी चल भी रहा है मल्चिंग का। मैंने एक मल्चिंग का अपडेट आपको पहले दिया था किस तरह ये लगाते हैं, और दोस्तों मैं दिखाता हूँ कि आपको किस तरह ये अभी दे रहे हैं फसल में। तो ये देख सकते हैं इनका वेंचुरी लगा हुआ है, और एक इनका जुगाड़ भी बना रखा है, वो मशीन का है। आप देख सकते हैं ये इनका माइक्रोरजा है, जो हम दिखाएंगे आगे वो चीज़ें। तो ये इनका ह्यूमिक एसिड है, जो कंडे वाला है। तो दोस्तों हम बात करें तो ये देखिए काफ़ी सरल तरीका है, क्योंकि ये अभी कम टाइम में देना है। तो दो तरीके इन्होंने अपनाया है, एक तो डायरेक्ट वेंचुरी के माध्यम से दे रहे हैं, और दूसरा ये मशीन के माध्यम से, मतलब कि मोटर के माध्यम से। इन्होंने देख सकते हैं आप ये नली लगा रखी है, केवल वो पंप का जो फुहारे वाला है इसका वो खोल दिया है, और इसको इन्होंने डायरेक्ट पाइप में कनेक्ट कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने इसको टाइट कर दिया ताकि खुले ना, और मोटर के प्रेशर से अंदर चला जाता है। और ये वेंचुरी है, वेंचुरी तो आपको पता होगा, इसका अपडेट आपको पहले भी दिया था मैंने। तो ये अभी जा रहा है, और कपड़ा लगा रखा है ताकि ये छनता रहे। आगे दिखाता हूँ किस तरह ये बनाते हैं। ये देख सकते हैं कंडे का ह्यूमिक एसिड है, जो देसी गाय का कंडा है। और दोस्तों इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि लोहा डाल रखा है। आप देख सकते हैं ये लोहे का कलर चेंज हो गया है इसका, काला काला। तो इससे और भी अच्छा बन जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिल जाते हैं पौधे को। और ये तांबे का लोटा है, ये भी इसमें पड़ा था, ये काला हो गया पूरा। और ये मतलब कि 3-4 बार अभी दे दिया लगभग इन्होंने, मतलब हर पानी के साथ दे देते हैं थोड़ा बहुत, जिससे कि पौधे में ग्रोथ बनी रहे। और ये है दोस्तों माइक्रोरजा, जो खुद मतलब इसमें भी वो जिस तरह अपन वेस्ट डिकम्पोजर बनाते हैं उसी तरह का बनाया है, केवल इसमें गुड़ डाला है, मतलब कि वेस्ट डिकम्पोजर नहीं डाला है। और ये मतलब 100 लीटर में 1 किलो गुड़, और ये इनका वो बैक्टीरियल फॉर्म में है दोस्तों, माइक्रोराइजल बायो फर्टिलाइजर बेस्ड है, निर्मल कंपनी का। तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों वैसे, ये भी इन्होंने 2-3 बार इसमें 2 बार तो बना दिया है। और इसमें दोस्तों इन्होंने क्या है कि ह्यूमिक एसिड इसमें इन्होंने जो वेस्ट डिकम्पोजर है वो डाला है पानी के लिए, ताकि और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाए। तो अब देख सकते हैं इसमें लोहा, तांबा और वेस्ट डिकम्पोजर और कंड, तीनों को मिलाकर इन्होंने ह्यूमिक एसिड बनाया है, जो काफ़ी अच्छा बनता है दोस्तों। अभी लाइट चली गई है, तो आपको दिखा दिया कि किस तरह फसल में दे रहे हैं। तो ये इनकी फसल लगभग 1 बीघा मतलब आधा एकड़ के बराबर है, जो कि ट्रिप के माध्यम से अभी दे रहे थे। और मल्चिंग का काम अभी चल रहा है दोस्तों आगे। ये जो क्या है कि अपनी जो फसल है उसको काफ़ी जैविक तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिएंट तो हर ये जैविक तरीके से बना कर खुद फसल में दे रहे हैं, मतलब तो जिससे कि आप देख सकते हैं फसल में ग्रोथ भी, कलर भी देख सकते हैं बिल्कुल गहरा, और फुटान भी काफ़ी अच्छी हो रही है, फूल भी आने लग गए हैं। ये देखिए, हाँ ये देखिए, और कलर आप देख सकते हैं फसल का एकदम डार्क हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है ये इस समय। तो आगे आपको अपडेट मिलती रहेगी, मतलब कि किस तरह फसल को फ़ायदा हुआ है, क्या क्या इन्होंने दिया है, वो हम एक वीडियो में आपको निचोड़ देने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हमने इसमें आपको माइक्रोरजा और वेस्ट डिकम्पोजर के साथ जो इन्होंने ह्यूमिक एसिड बनाया है उसके बारे में बात की। तो दोस्तों मैं आपको स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट फ्रूट है, ये देखिए साइज़ आप, मतलब कि फर्स्ट जो साइज़ है काफ़ी अच्छी बनी है, बड़ी देखिए, अभी कलर ले रहा है हल्का, और पौधे की ग्रोथ देखिए, ये उधर एक और बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इस समय। तो ये मुझे लगता है अभी सब जितना भी माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया है सब जैविक दिया है, इसमें केवल 19-19 दिया है इन्होंने, और एक और कौन सा दिया है मतलब 19-19 के अलावा, नहीं नहीं केमिकल में
हाँ माइक्रो इन्वर्टर तो खुद ही बनाया है ये जे। अच्छा हाँ, तो ये है फसल में दिया है इन्होंने, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इस समय तो। और आगे अपडेट आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू दोस्तों इसके बारे में, ताकि आपको एक अनुभव मिल सके कि क्या देने से क्या रिजल्ट रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही है। ये देखिए स्ट्रॉबेरी में, और देखिए कलर, ये देखिए, ये देखिए इसकी क्वालिटी भी एकदम सेफ वगैरह अच्छी है। मतलब कुल मिला के देखिए आप, तुम कलर से चमक काफ़ी अच्छी है। एक स्ट्रॉबेरी आगे है, एक वहाँ पे है। तो देखिए पौधा सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए पौधे में ग्रोथ, ये देखिए। और इसमें दोस्तों क्या है कि ये पत्ते सूख जाते हैं, इसको तोड़ना पड़ता है। जैसे कि पौधे के जो पास में फुटान आती है ना, वो काफ़ी अच्छे से आती है, ये देखिए, ये मतलब फूटते हैं। और उसके बाद एक कली में देखिए तीन चार निकलते हैं, इस तरह चलता रहता है। ये देखिए एक स्ट्रॉबेरी है, मतलब कुल मिला के देखिए आप, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वैसे। और तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन काफ़ी